भाई साहब, जो आप देख रहे हैं वैक्यूम पंप है जिसकी कीमत 1,20,000 है। यह खराब हो गया, इसे हम रिपेयर करने के लिए आए हैं। इस मोटर की यह समस्या हो गई थी कि यह मोटर जाम हो गया था और यह चल नहीं रहा था। इसे हमें आगे का जो पंप सेक्शन था इसे खोलना पड़ा। खोलने के बाद पता चला कि इसके अंदर का एक फाइबर की पट्टी टूट गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह फाइबर की पट्टी है जो हम डाल रहे हैं स्लॉट के अंदर। तो एक टोटल 3 स्लॉट बने हुए, जैसे रोटर आकार दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर टोटल 3 पट्टी लगते हैं जिसमें से एक पट्टी टूट गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे हम नया डालेंगे। दोस्तों, इस पंप के अंदर इस पट्टी के टूटने के 2 रीजन है। पहला रीजन यह है कि इसके अंदर ज्यादा डस्ट जमा आ जाते हैं, इसकी वजह से पट्टी जाम होने की वजह से टूट जाती है। दूसरा रीजन यह है कि मोटर जब उल्टे डायरेक्शन में चलता है तो उसकी वजह से पट्टी टूट जाती है। इस समय जो पट्टी टूटा हुआ है वह डस्ट की वजह से टूटा हुआ है। दोस्तों, इसकी जो वैक्यूम कैपेसिटी है वो -15 PSI तक है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।